आप लोग सभी यहाँ बढ़े, सभी जुड़ा लोग, और ये एक मिल्लत का चीज़ है। हम लोग भी मिल्लत से हैं, और लोगों का सवाल हम लोग के पास आता है, हमको सिर्फ उन सवालों का जवाब चाहिए। ये ग्रेवान से हो सकता है, होना भी चाहिए, नहीं होगा तो इम्प्रूवमेंट नहीं है। मेरा सवाल ये है कि खिलाफत, सबसे पहला सवाल है, खिलाफत को जो ज़मीन मिली कॉर्पोरेशन की तरफ से, उसका स्टेटस क्या है? आप पहले भी शाकिर साहब प्रेसिडेंट थे, अभी भी सुनने में आप प्रेसिडेंट बने, हम लोगों को उसका स्टेटस पूछना है। आज हमारे साथ 500,000 लोग आने वाले, हम लोगों ने मना किया, हम लोग स्टेटस जो भी होगा हम लोग बताएंगे, घर घर जाके बताएंगे, माइक लगा के बताएंगे। 15 साल या कितना साल हो गया था साल क्यों, वाई? आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप लोगों के पास सलाहियत नहीं है, आप लोगों के पास पैसा नहीं है, या डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है? अगर डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है, हम लोग को बोलिए, हम लोग सब भी करेंगे। टाइम नहीं है, हम लोग टाइम देंगे। सलाहियत नहीं देंगे, पैसा नहीं है, पूरा बिल्डिंग खड़ा होकर बनाएंगे, पानी नहीं था पूरा ठीक है। ये मेरा ऑफर आप लोग। दूसरा चीज, अगर खिलाफत मुल्ला जान साहब से पर फोटो खिंचवाने में नहीं बनवाए, किसान में दो बार फोटो खिंचा लिया जाए, ऐसे इस वजह से मुल्ला जान साहब नहीं बनाए, उनको बनाने का कुछ वजह था। और आप लोग माशाल्लाह सब बाशहूर लोग यहाँ पर बैठे, तो क्यों काम नहीं हो रहा सब मिलकर, वजह क्या है? आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो बोलिए, जो टाइम वाले लोग उनको लाइए, अगर आप लोगों के पास सलाहियत नहीं तो सलाहियत वाले लोगों को लाइए। वजह क्या जो काम नहीं होता? कलकत्ता का एक सबसे बड़ा इदारा है ये, आज क्या हालत इस इदारे का? इतना बड़ा मामला हुआ NRCCA का, क्या किया आप लोग? उंगली कटा के शहीद में नाम लिखाएं, रेडो प्रोग्राम कर करके, वो भी यहां से वहां से मांग चांग करके, अब ये इतना कोविड का मामला चला, क्या किया? एक मिनट साहब भाई, जो बोल रहे सुन लेते, हम भी वहां मौजूद, बोल दीजिए ना, कहे बोल लेते बोल दीजिए। ये जो कोविड का मामला हुआ, उसमें आप लोग क्या किए? सिर्फ फोटो पे जाएगा सामने दो बार मिलकर की पूछना चाहती है आप लोगों से, क्या आप लोग का मंशा क्या है, क्या कर रहे हैं? फिर बन के कितना साल दीजिए एक जगह बनाने में? हम लोगों को पैसा अपने पॉकेट से देकर हमारे गरीब लड़के को शादी कराना पड़ता है दूसरे गली में जाकर के, क्यों कराने की हमारे पास जगह है? हमारे यहाँ पढ़ने के बच्चों के पास भी जगह नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं खोल सकते हैं, क्यों? व्हाट इज द रीजन? आप लोग बताइए क्या चीज कमी है? एक चीज आप लोगों को मिल चुका, उसको आप लोग बना नहीं पा रहे। यहाँ लोग पैसा खरीद खरीद करके जगह बना रहे अपने अपने एरिया में, हम लोग एरिया में जगह आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे, वजह क्या है इसका? खिड़की भी खोल सकते, दारू बिक रहा था क्योंकि अभी इलेक्शन था, इसीलिए स्टॉप करा दिया गया। व्हाई व्हाई, व्हाट इज द रीजन? बहुत सारी बातें जो अभी बोलेंगे तो बहुत सारा खराब बात हो जाएगा, अपने बड़ों को भी कोई सब बात नहीं बोलना चाहते, मगर जो जरूरी है आप लोग उसको कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो प्लीज छोड़ दीजिए। आपसे सवाल है, हमको आप जवाब दीजिए, तभी हम यहाँ से जाएंगे। वाई, इतना साल से आप भी पिछले 5 साल कितना साल से हैं शाकिर साहब? कितना साल से प्रेसिडेंट? 13 साल में आपने क्या इंप्रूवमेंट किया? कहाँ पे कमी पेशी आ गया? हम लोग को बोलिए ना, हम लोग करके देंगे आपको, इंशाल्लाह करके देंगे, इंशाल्लाह जी। आप लोग अगर इस तरह से अगर उठ के हमको किसी 15 साल जो आदमी को छोड़ इनको सलाम दीजिए।
रामोविंदर बैठिए ना, एक मिनट, हम लोग यहाँ लड़ाई करने नहीं है, हम लोग यहाँ मिलकर के हक के लिए है, लड़ाई नहीं करने नहीं है, मिलकर के हक के लिए है, हम लोग मिलकर धान का हक मांगेंगे, जो नहीं कर सकते वो जाएंगे। आपसे हम लोग यहाँ जितने लोग किसी पर्सन कुछ यहाँ जितने लोग सबको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बट ये कमेटी है खराब कम, इसका एक बहुत बड़ा म्यार है। मुझे यहाँ सब सपने वाले के मुझे क्या क्या सोचते हैं, हम लोग इसलिए बनाते हैं। व्हाट इज द रीजन, क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं, किस चीज की कमी है? मिनिस्टर्स आपके साथ हैं, काई साहब के साथ, पूरे लोग हैं, कहाँ कमी हो रही है? हम लोग दूसरे का काम करके निकाल देते छुट्टी में, अपने घर का काम नहीं कर पा रहे, क्यों? इसे आज देखिए इस्लाम में फंसा हुआ है, बना माइंड सेट चेंज करना होगा, थोड़ा सा काम करना होगा, अरे उम्र स्पोर्टिंग कहाँ से कहाँ गया, जाएगा सब आगे बढ़ेगा, बट काम करना होगा और थोड़ा सा अपना ईगो को साइड करके रखना होगा, काम कीजिए, नहीं कर पाए शाकिर साहब प्लीज प्लीज के बारे में सोचिए, शादी वहां से हो जाता, हम लोग जाकर सुना भाई को बोलना पड़ता है, दूसरे दूसरे जो लोग उस लाइक नहीं उनका बहुत से पैसा देने की शादी करवा, क्यों हम लोग का जगह कमी है नहीं, बट 15 साल आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना, आपका बैंक अकाउंट नहीं, क्यों वाई इतने सीरियस साहब लोग, नहीं नहीं 14 साल लगता है। आप बाहर में जाकर के माइग्रेंट्स को बोलिए, वो लोग समझ जाएंगे, पर हम लोग मान नहीं सकते हैं। एक इदारा को रजिस्टर करने में और उसको म्यूटेशन कराने में अभी कितना 17 साल हो गया, इट इज नॉट पॉसिबल। होता क्या है, पहली बार अगर आप लोगों को हम दोबारा अपने अपने टाइम नहीं है, सलाहियत नहीं है, प्लीज जिनका अंदर में उनको आगे नहीं दिए, आप लोग सीट संभालिए, लोगों को काम करने के लिए रखा है। उसके बाद बिल्डिंग कितने दिन आप लोग रहेंगे, इसका जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए 16 साल चला गया, ये म्यूटेशन का प्रोसेस हो गया ना, फिर उसको भी हम लोग शुरू करा देंगे। अभी काली साहब बोलने के जहाज बोलने के हफ्ता भर का काम है, इट इज नॉट अ बिग डील, हम लोग भी जानते हैं सब चीज के बारे में, कि एक म्यूटेशन कराने में एक रजिस्ट्रेशन का हमको आप दीजिए ना, विदिन 40 डेज बहुत टाइम बोल रहे हैं, अगर थोड़ा टाइम देंगे ना, अगर 10-15 दिन का तो आपको रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, आपको जैसे जवाब आता है पॉजिटिव नेगेटिव में आपको बता देंगे, फिर आप कितने देर में बैठक कराते हैं, मिलकर के हमारे मिलेगा, बिकॉज यू आर प्रेसिडेंट, आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, नहीं आप प्रेसिडेंट, आप बोलिए, आप जवाब दीजिए, आप प्रेसिडेंट आप जवाब दीजिए, इस बात का नहीं दीजिएगा, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, म्यूटेशन का जैसे ही म्यूटेशन आप चलिए, हम लोग कल से करके करवा देंगे, हम लोग को पावर दीजिए, हम लोगों की रिप्लाई करने दीजिए, जैसे ही रिप्लाई आता फिर कोई काम देंगे नहीं, कोई काम नहीं देंगे। आप काली साहब को नहीं बोलते रिप्लाई करवा, क्या है म्यूटेशन, कुछ नहीं है, प्लान नहीं है, हम कमीशन के रास्ते चलते हैं, सब काम करवाते हैं, सब बाहर साहब आप भाई ईमानदारी तरीके से बोलिए, दो हजरत हमारे आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और भी जगह तो क्या ये खिलाफत जो काम करना चाहिए काम कर रहा है, आप लोग सब नहीं अपनी बड़ी सब बोलिए, ये काम हो रहा है, हो रहा है मुंशी भाई, नहीं हो रहा। आप लोग क्यों उनको परेशान कर रहे हैं, 14 साल तो तुमको चांस दिए, आप क्यों चांस दिए, 14 साल क्यों बोले काम नहीं हुआ, फिर उन्हीं को सर चुन ले, आप लोग खुद एक्सेप्ट करेंगे तो काम करने के लिए वोट देने के लिए 5 साल क्यों नहीं हुआ, यह हकीकत नहीं है, 5 साल वो एक मीटिंग नहीं जॉइन किया, एक मीटिंग जॉइन नहीं किया, आज उनको लाया गया,
वोट करने के लिए एक एकदम गलत है। अरे आप किस मुद्दे को रिजाइन करना चाहिए? चीज नहीं है, जरा सा चीज मिलन से चीज कर रहा है, मिलन से चीज कर रहे हैं। हम क्या जल्दी के लिए लड़ने के लिए आए? मिल्लत के काम के लिए हम लोग यहाँ आए, मिल्लत को जलील करने के लिए, मिल्लत को जलील करने के लिए आए। जलील वाला छोड़ दिए, उन्होंने नहीं जान रहे हैं, उन्होंने नहीं समझ रहे हैं। आपके बात का जवाब हाँ बताइए। रजिस्टर्ड इसलिए नहीं हुआ है जब से कमेटी बनी है 1900 जान बुझ कर नहीं किया, पूछा कराइए, वो गलती नहीं हुई है, जान बुझ कर नहीं किया, जानबूझ कर नहीं किया। और मिनट वक्त निकालिए, छोड़ दीजिए। अरे अरे मिनट वक्त निकालिए, अरे आप मिनट वक्त निकालिए ना, मिनट वक्त निकालिए ना, झूठ बोल रहे बैठ के तो खराब को बना दिया। अरे तो चुप ना, बात में क्या बैठिए, आप बैठ के बात करते हो, बैठिए ना, आप नहीं, हम सुनिए, हम बहुत इज्जत करते थे कल तक, लेकिन जब से झूठ बोलने का चालू किया हमने, आपने झूठ बोला हमको कि हम मेमन साहब को प्रेसिडेंट बना रहे, आपने बोला अरे वाइस प्रेसिडेंट का बात, उसी पे तो ऑब्जेक्शन हुआ सर कमेटी में। अरे हमें आपके लिए सब ठीक है, लेकिन भी रिकॉर्डेड ही इज नॉट अ कॉम्पिटिटिव पर्सन फॉर दी रिप्रेजेंट, वो पास आए और सलाहियत नहीं रखते, बिल्कुल नहीं, और 14 साल का चांस मिला। अरे मरी बात करिए ना, आराम से बात करिए ना, आप ज्यादा चिल्लाने हम लोग जान रहे हैं, थोड़ा बात कर लो, चिल्लाएगा तो बात नहीं होगा यार, रुकिए ना, बोले आप चुप हो जाइए, हमको स्पेशल प्रेसिडेंट बना के हम नहीं आ रहे थे, हम नहीं आ रहे थे, हम नहीं आना चाहते, आप सबको इसी तरीके से बैठक आते हैं, बात सबके सामने कीजिए। अरे भाई हम लोग से लोग सवाल करते हैं, हम लोग 24 घंटे को नहीं देते, हमको जवाब देना होगा, एक बात है शाकिर भाई, कहा जा रही 5 साल से 20 साल कोलोटोला में जाते हुए लोगों ने वो सवाल किया, लेकिन क्या है शाकिर भाई, आप लेके काम बढ़े जाए, लेकिन काम बढ़ने नहीं दिया गया था, आप आपके साथ एकदम साफ सुथरा बात करता हूँ, मैं पेशा लगा चीज, जब तक म्यूटेशन नहीं होता है तब तक कोई बिल्डिंग प्लान नहीं बनता है। हमारा बगावत चालू रहेगा, प्रेसिडेंट नहीं मानेंगे,
मेरा लवा यहाँ पर वी डू नॉट एक्सेप्ट नहीं है ना 14 साल होता है भैया 14 साल के बाद क्या होगा दीजिए आप कीजिए मेंबर बना भी सकते हैं कहाँ बनाए नहीं बनाए जावे साहब नहीं हुआ कोरम कंप्लीट नहीं है आजकल की कोचिंग से आप कैसे बना रहे हैं आप सुनिए आप कोरम में लेकर मैं भाई कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम लोग नहीं एकदम आप देखिए कितना आदमी है तारा साहब देखिए आप आज 16 आदमी नहीं कितना आदमी होना चाहिए कमेटी में तब इलेक्शन होगा आप पढ़िए आप दिखा के दिखाइए उनका कहना है पहले मेंबर 27 है उनका कहना है कि 27 मेंबर होना चाहिए तब इलेक्शन कराएंगे 27 के बजाय अभी कीजिए पहले 27 आदमी को बैठाइए और उसके बाद कीजिए जिसको भी लाइए आप हाथ जोड़ के यही कोशिश करेंगे कि कुछ लोग काम करें आप कॉन्स्टिट्यूशन को कर रहे हैं यस सुनिए आप सुनिए आप जो बोल रहे हैं हम आपका बात एकदम ये बैड इन लॉ है ये गलत क्या गया और हम लोग इसको कंडेम करते हैं और साकिब साहब को हम लोग किसी भी हालत में नहीं मानते हैं आदमी है कोई काम नहीं हुआ है इनके बैड लैंग्वेज में कमाल कोई काम नहीं हुआ है सिवाय फोटो खिंचाने का कोई काम नहीं हुआ है गलत बात थोड़ी है अरे मीटिंग ऐसा ऐसा आदमी कानी में बोल सकता है सबके सामने नहीं बोल सकता तो काम के बोले जो भी हमको बोलिए उसको हटाना पड़ेगा सिस्टम में लाइए अब कैसा आज हारून साहब प्रभात पर था एक मिनट सुन अगर 5 मीटिंग में नहीं आए तो उनको आपको कैंसिल कर दे वोट दे 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 दिया बुलाओ कर दिया मैं आपको तो उनको पहले बता देना चाहिए नाउ यू आर नॉट अ मेंबर यू आर डिस्क्वालीफाइड वहां तो यू आर नॉट अ मेंबर अलाउ भी देना चाहिए था लोगों को नहीं आते आप मीटिंग में हारून साहब को बैठने क्यों दिया गया क्यों आइएगा हारून साहब को बैठने क्यों दिया गया जो अभी जो वक्त है अगर हम लोग अभी खड़े नहीं हो बाद में खड़े नहीं हो पाएंगे ताकि साहब तो अभी से वी हैव टू स्टार्ट द वर्क वी हैव टू स्टार्ट द वर्क आप लोग नहीं कर पा रहे हम लोग को भी जमा करेंगे और हम लोग को पोस्ट भी चाहिए एक कंडेमनेशन नहीं देता है पोस्ट भी चाहिए हम लोग हम काम करना नहीं चाहते हम आप लोग से बोल रहे हैं 2 महीना में टाइम दीजिए 2 महीने में अगर फिर आप सदारत चुनिए और हम आपको आप जिसको भी चुनिए लेकिन हम लोग उनको बराबर ऐसे मिलेंगे आप सुनिए ना आप रोज आइए नहीं रोज चुनिए31 जनवरी अरे 2 महीने का टाइम मांग रहा है ना तब तक हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे इस जगह हम लोग का रजिस्ट्रेशन चालू रहेगा मतलब नहीं यार इतना बात सुनने के बाद कोई आदमी प्रेजेंट आएगा तो तब तक यू विल एक्ट एंड विल आपको रिफॉर्म करने होगा कॉन्स्टिट्यूशन को ये हमने कह दिया जरूरी है समझे ना और आज सुनिए आज खिलाफत रजिस्टर्ड नहीं हुआ है इसका वजह भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो यही लिखा हुआ है कि क्या नाम है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको कोई चेंज नहीं कर सकता
हिंदुस्तान का उर्दू में जो असूल है उसमें ये बात नहीं लिखा हुआ कि रिसेंट नहीं कर सकते, ये नहीं लिखा हुआ। आज हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो रहा है, खिलाफत में हमारा खिलाफत में कोई किरदार नहीं, लिखा हुआ नहीं है। दो महीने बाद बैठेंगे, सब बात करेंगे, पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। हम आपके साथ साथ है, हम लोग सुनिए, नहीं काम से हम लोग को लेना है, सुनिए, मुतरिक करने के लिए आपको हम ये वादा करते हैं कि जरूरत पड़ेगा हम लोग पूरा कमेटी रिजाइन करेंगे, हम लोग फिर दो महीना के लिए बनी है, कोई कमेटी नहीं बनेगी। स्टेटस क्यों रहेगा, बोरो में रखा हुआ है, हम लोग दो महीना बाद एजुकेशन स्टार्ट करेंगे, हम लोग धरना बैठेंगे, बैठेंगे मरते दिन तक बैठेंगे, तीन महीना बैठे थे, तीन साल और बैठेंगे, मिलन का काम होना चाहिए, मिलन खत्म का पीछा हो गया, हर काम होना चाहिए हम लोग। हम लोग 31 महीना और मिलत के लिए विभाग आवाज जैसे आपका जगह बंद पड़ा हुआ, कुछ लोग उसको कभी भाड़ा में लगा देते हैं, तो जाति मुखात के किसी को दे देते हैं, आपसे 4 महीना 5 महीना पहले आपको हम इतने बड़े लोगों दिखा नहीं सकते। बोले दीजिए मेहरबानी करके वोकेशनल कोर्स वहां स्टार्ट करो, शेड हम लगवा देंगे, मगर वहाँ कुछ कीजिए, वहाँ गंदगी हो रहा है, सुनिए ना, वहाँ पे वहाँ से महीना उड़ रहा है, जगह पर दुकान लगी है, शराब पी के हम लोग आपसे एक हफ्ता में कॉन्टेक्ट करेंगे, मैं खुद करूँगा, मंसूर भी है, मुसाफिर भाई भी, हम लोग कॉन्टेक्ट करेंगे, हम लोग 4-5 आदमी 6 आदमी 8 आदमी आप लोग बैठते हैं, वहाँ क्या करना चाहिए आप लोग कुछ भी कीजिए, आप लोग इससे मिल्लत को कोई फायदा वैसा काम, एक हफ्ते बाद मिल्लत की आवाज बनी है, कहीं जगह है तो उसको सलाह, मिल्लत की आवाज बनी है, ट्रस्ट का नाम बता दीजिएगा और मेंबर्स बता दीजिएगा आपको, वो भी एक हफ्ते बाद नाम तो है ना, कोई तो कलकत्ता मुल्ला, वो तो नाम सुन लिया, ट्रस्टी मेंबर्स, ट्रस्टी मेंबर्स, ट्रस्टी मेंबर्स हम हैं, हाँ शाबिर इंडियन है, अली साहब है, आप और खलीजा, दो आदमी में ट्रस्ट नहीं बनता भाई, कौन है खलीजा, कहाँ है वो, कल मंडी कहाँ है वो, दो ही हाथ में ट्रस्ट होता है हम लोग रजिस्ट्री करवाया ट्रस्ट का कमेटी जो है, जब तक हम लोग कागज नहीं आता था हम लोग ट्रस्ट का कमेटी नहीं बना सकते, ट्रस्ट का कमेटी हम लोग नहीं बनाया, ट्रस्ट का कमेटी क्योंकि मुल्ला जान मोहम्मद का नाम इसलिए रखा गया है, उसमें ये भी क्लॉज रखा गया है कि जो भी होगा सिस्टम कौंसिल होगा ट्रस्ट, ये खिलाफत होगा मेन उसका, वो सेकेंडरी होगा वो, ये हम लोग रखा है, ये गवर्न होगा, अभी ट्रस्टी मेंबर्स नहीं बने, बाद में बनाएंगे ना, अभी दो ही आदमी कंट्रोल कर रहे हैं, कल हम हमारे तबियत खराब हो जाए, बीमार हो जाए, हैंडीकैप हो जाए, तो फिर आप हमको बोलेगा निकाल के बात करते, ये भी बात गलत है कि कुछ यंग जनरेशन को बात सुझाव लोग को लाना चाहिए, बिल्कुल गलत है,
आप जनरेशन तैयार नहीं कीजिएगा तो कहाँ से जनरेशन उठेगा? अरे भाई सुनिए, तैयार तो करना पड़ेगा जी। इसी बात की मेरे इनके साथ क्या नाम हमेशा से बात हो रही है। मैंने कहा जो मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखिए हर चीज है, हर चीज का एक हमको नए जनरेशन को लाना हर कॉर्नर से, बिल्कुल बंगाल के हर कॉर्नर से लोगों को। जितने इमाम है हमारे हर एक लोग, जितने क्या नाम है इसके मदरसे के हैं नाजिम अमूर, वो हम लोग समझे ना, हम लोगों के क्या नाम है सोशल वर्कर, इफेक्टिव मुस्लिम जो काउंसलर हूँ, एमएलए जो एक्टिव हैं, हम कोई पार्टी नहीं देखेंगे, वो हमारे मेंबर एसोसिएट मेंबर, हम लोग उनको चांस देंगे, कॉमेडी बनाएंगे उसमें। हम लोगों ने यहाँ तक बात की, एक थियोलॉजिकल कॉमेडी बनेगी, मेडिकल कॉमेडी बनेगी, लीगल कॉमेडी बनेगी, एजुकेशन कॉमेडी बनेगी, सब कहेंगे हेड रहेगा। हम लोग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से डिवाइड भी करेंगे उसको, और उन लोग दो साल में जो काम करेगा, तीन साल में जो काम करेगा उसको फिर हम लोग मेंबरशिप, ये होना चाहिए। हमने ये प्रपोजल दिया है, इस प्रपोजल को हम लोग वर्कआउट करें। सुनिए चीज जो है, हम आपको मेंबर ले लिया, आप दो साल हमसे भी खराब निकले, समझे ना, कुछ भी हो सकता है तो हो सकता है ना, समझे ना, एसोसिएट मेंबर है और पांच साल के याद में प्राइमरी मेंबर बना देंगे, और हम लोगों का सबका टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर रहेगा। हम लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ अगर एजिटेशन करना होगा, कोई इदारे के खिलाफ एजिटेशन करना हो, थियोलॉजी का लोग, हमने सारे सबसे बात की कि आप लोग एक उनकी क्या आदत में बोले 200 आदमी को लाने खड़ा करने की, खिलाफत का मैं नहीं होगा, हम 10 आदमी होने की बात हुई थी, वो होने नहीं दिए, नहीं होने दिए। खिलाफत कमेटी से सवाल था, खिलाफत कमेटी जिस तरीके से उसी तरीके से रहेगी या कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा? आज जावेद साहब ने, सोलह भाई ने, काली साहब ने, शाकिर साहब ने ये वादा किया है कि हम लोग दो महीने बाद दोबारा मिलेंगे, और इंशाल्लाह उसमें जो इम्प्रूवमेंट होगा वो हम लोग को बताएंगे। अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो आज जो एक बॉडी बनी है वो बॉडी कैंसिल होगी, और उसके बाद हम लोग वो कैंसिल होगा, और उसके बाद हम लोग एजुटेशन में बैठेंगे। पहले हम लोग धरना करेंगे, अगर धरना से खिलाफत कमेटी नहीं संभलती हम लोग भूख हड़ताल में जाएंगे मरते दम तक, ये फाइनल का वादा। और दूसरी बात, आज हम लोग आप लोग से कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए, हम लोग आपसे सवाल कर रहे थे मिल्लत के, अपना कोई जाति मफाद से यहाँ नहीं आए, हम लोगों को यहाँ की किसी चीज से कोई मतलब नहीं, हम लोग बस चाहते हैं कि आप लोग बड़े हैं, आप लोग हमारे कौम के सीनियर्स हैं, रिस्पेक्टेड लोग हैं, खिलाफत कमेटी एक बहुत बड़ा इदारा है, यहाँ जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है, मेहरबानी करके आप लोग उस काम को अंजाम दीजिए। जो जगह जमीन जो आपको मिला हुआ है कॉर्पोरेशन की तरफ से, उसमें जो होना चाहिए स्कूल, उसके बाद फिर कोचिंग सेंटर, वोकेशनल सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, वो सब आप लोग मेहरबानी करके बना दीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और कुछ नहीं, इंशाल्लाह जवान जवान टीम आएगी, जरूर होगी, मगर जवान टीम आएगी, जरूर होगी, हम लोग मजबूरी हम लोग की, हम लोग को बार बार आवाज उठाना पड़ेगा, आपके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, इंशाल्लाह जवान टीम आएगी, जरूर होगी, मुझे मेरे फादर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, मैं खड़ा हूँ, खड़ा हो जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग हम लोग वेलकम करते हैं जी, समझे ना, और इंशाल्लाह आप लोग सबके एडवाइस के साथ ही हम लोग31 जनवरी को जावेद साहब पाएंगे हैं, हम लोग खिलाफत कमेटी में आकर के क्या हुआ है इसके बारे में हम लोग आपको सबको पूरे पूरे मिलकर।